नॉलेज स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास टू का जनरल नॉलेज पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देखें पिछले क्लास में हम चैप्टर फाइव तक यानी लेसन फाइव तक पढ़े थे, आज हम लेसन सिक्स पढ़ेंगे फ्रेंडली एनिमल, वैसा जानवर जो हमारे काम में मदद करता हो। ठीक है, तो यहाँ कुछ एनिमल्स का नाम मैं लिख रहा हूँ और उसका जो है किस काम में वो किस काम में मदद करता है उसके बारे में। जैसे कैमल हो, जैसे एस हो नाम लेकर इसमें किसी ना किसी तरह से वो हमारे काम में आते हैं। ठीक है, जैसे ये कैमल है, कैमल किस रूप में काम आता है, मैं भार ढोने के लिए, तो इसको हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आता है। ठीक है, ये एस है जिसको आप धरती बोलते हैं, ये जो है ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए ही उपयोग में लाया जाता है। बोट जो है, बोट हम लोग को किस काम में आता है, एलिफूड फूड के रूप में काम में आता है। हॉर्स, हॉर्स के वही और साउंड होने और ले जाती होने वाला, इसको ट्रांसपोर्ट हम डाल देते हैं। शिप, शिप हमें किस तरह का काम में आता है, यह हमें क्लोथ प्रोवाइड करता है, जैसे ऊन देता है। फूड के रूप में दूध देती है। तो ये जो है एनिमल्स, ये एनिमल्स जिसका मैंने आपको बोर्ड पे नाम लिखा है, ये किसी न किसी रूप से हमारे काम में आते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए हो, फूड के लिए हो, क्लोथ के लिए हो, वो किसी न किसी विधि से काम में आते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, ये जो लेसन सिक्स है, ये जो सिक्स एनिमल्स है, सिक्स एनिमल्स नेम एंड योर वर्क, ठीक है, ये इसको याद करो बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने क्लास टू का जनरल नॉलेज लेके आया हूँ। ये लेसन सेवन है वर्ल्ड ऑफ सी यानी समुद्री संसार। आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये डू यू नो दैट देयर इज अनदर वर्ल्ड इन द सी व्हिच वी कॉल द सी वर्ल्ड, क्या आपको पता है कि एक और दुनिया है, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग Sea of World. In the sea, we can see hills, valleys, fishes and lot of different types of mammals. समुद्र में हम लोग क्या क्या देखते हैं, hills देखते हैं, valleys देखते हैं, fishes देखते हैं और different type के animals देखते हैं। These mammals and sea animals are very dangerous also. ये जो समुद्री जानवर है ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे जानवर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कह रहा है वन नंबर में दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। I am the largest animal on the earth. I am a mammal. I am dash. मैं सबसे बड़ा जानवर हूं धरती पर। तो ये कौन सा है? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल धरती का सबसे बड़ा जानवर है। मैं सभी मछलियों का राजा हूँ। कौन है ये राजा? डॉल्फिन।
थर्ड नंबर में है आई हैव ए राउंडेड स्नॉट सिमिलर टू ए डॉग इन, यानी मेरा जो स्नॉट है ये पीठन है वो गोल है एक डॉल्फिन के जैसा ही दिखता है। आई एम अ डैश इसका नाम है प्रोफॉइड, ये भी समुद्री जानवर। फोर नंबर देखो आई प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं इस तरह का विद्युत उत्पन्न करता हूँ। आई एम अ डैश इलेक्ट्रिक इन, इसका नाम है इलेक्ट्रिक। आई कीप माय एग्स इन माय माउथ, मैं अपना अंडा तो अपने मुंह में रखता हूँ। ये कौन है? ये है कैटफिश। आई एम हाईली इमोशनल एनिमल, मैं बहुत ज्यादा भावुक जानवर हूँ। तो ये कौन है? साफ भी मछली होता है, बहुत ज्यादा भावुक होता है। सेवन नंबर एरा आई कैन स्विम इन ए स्टैंडिंग पोजिशन, मैं स्टैंडिंग खड़े खड़े स्विम कर सकता हूँ। ये कौन है? सी हॉर्स। स्टैंडिंग पोजिशन में ही स्विम कर सकता है, यानी ऊपर से नीचे जा सकता है, नीचे से ऊपर आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, ये सारे जो आज मैंने आपको वर्ल्ड ऑक्सीजन के बारे में लिखवाया, एनिमल्स के बारे में लिखवाया, उसका डेफिनेशन बताया, इसको आप अपना कॉपी में नोट करेंगे और इसे याद भी करेंगे। ठीक है, बाय, फिर मिलेंगे।